हे व्हाट्स अप गाइस, कैसा आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ Xiaomi 11i हाइपर चार्ज डिवाइस के बारे में। और इसके लिए फाइनली इंडिया में एक ब्रांड न्यू अपडेट है ना, वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। ये अपडेट है वो काफी एक बड़ा अपडेट है। 3.1 GB की आप लोगों को अपडेट की टोटल साइज है ना वो देखने को मिलती है। और आप लोगों को अपडेट के अंदर और भी कई सारे चेंजेस है ना वो देखने को मिलते हैं। तो इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट आप लोगों से बात करने वाला हूं। और Xiaomi की तरफ से कौन कौन से नए फीचर है ना वो ऐड किए गए हैं इसी अपडेट के अंदर, क्योंकि 3 GB से ऊपर आप लोगों को अपडेट की टोटल साइज है ना वो देखने को मिलती है। तो फीचर तो यहाँ पर कई सारे है ना वो ऐड किए गए हैं, तो इन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट आप लोगों से बात करने वाला हूं। सो वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी लाइक कर देना, बाद में आप लोग यहाँ पर भूल जाओगे। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आगे भी फ्यूचर में और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है ना वो यहाँ पर आएगा Xiaomi 11i और Xiaomi 11i हाइपर चार्ज डिवाइस के लिए, तो आप लोगों को अपडेट की रिगार्डिंग जो न्यूज है ना वो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर गाइज ये जो अपडेट है ना वो रिलीज किया गया है Xiaomi 11i हाइपर चार्ज डिवाइस के लिए। 13.0.3.0 का आप लोगों को यहाँ पर अपडेट का वर्जन नंबर है ना वो देखने को मिलता है। और IN मतलब कि इंडिया के लिए जो अपडेट है ना वो रिलीज किया गया है। और 3.1 GB की आप लोगों को यहाँ पर अपडेट की टोटल साइज है ना वो देखने को मिलती है। तो काफी एक बड़ी साइज का आप लोगों को अपडेट है ना वो Xiaomi की तरफ से यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस अपडेट के अंदर आप लोगों को चेंजेस है ना वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज है ना वो आप लोगों को इस अपडेट के अंदर ये देखने को मिलता है कि इस अपडेट के अंदर आप लोगों को जून मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पेस्ट का जो अपडेट है ना वो यहाँ पर Xiaomi की तरफ से रिलीज किया गया है। वैसे आज आप लोगों को लास्ट डेट है ना वो मिलती है जून मंथ की, और आगे आप लोगों को यहाँ पर जुलाई का मंथ है ना वो काफी जल्दी मिलेगा 1-2 दिन के अंदर। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी ये जो अपडेट है ना इसके अंदर आपको जून मंथ का यहाँ पर सिक्योरिटी पेस्ट का जो अपडेट है ना वो रिलीज किया गया है। तो ना ही तो ये इतना बड़ा आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट है ना वो मिलता है। अगर जुलाई मंथ का यहाँ पर सिक्योरिटी पेस्ट का अपडेट है ना वो यहाँ पर आता, जो कि एक अच्छी बात होती, लेकिन ये भी कोई बुरा नहीं है। ज्यादा पुराना आप लोगों को अपडेट है ना वो नहीं मिलता है। और वही मैं आप लोगों से बात करूं इसके फर्स्ट चेंज के बारे में जो कि आप लोगों को इस अपडेट के अंदर देखने को मिलता है, तो आप लोग देख तो यहां पर आपको ऑप्टिमाइजेशन है ना वो देखने को मिलेगी। इनेस्ट एसेबिलिटी सपोर्ट है ना वो आपको यहां पर मिलेगा फोन ऐप के अंदर, क्लॉक ऐप के अंदर और वेदर ऐप के अंदर। तो ये सारे आप लोगों को एक चेंज है ना वो मिलता है, और साथ ही में एक और चेंज है ना वो आपको मिलता है। बात कर लेते हैं फर्स्ट चेंज के बारे में, जो कि सबसे बड़ा चेंज है वो आपको इस अपडेट के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको फ्लोटिंग विंडो का जो सपोर्ट है ना वो देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग किसी ऐप को ओपन करके रखते हो और ये जो साइड बार है ना वो आप लोग ओपन कर सकते हो एज ए साइड बार के थ्रू, तो इसकी हेल्प से आप ओपन कर सकते हो। आपको समझ में नहीं आया होगा, लाइव में आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइज आपको अपनी सेटिंग एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेना है, और आपको जाना है स्पेशल फीचर के अंदर। स्पेशल फीचर के अंदर जाने के बाद में साइड बार का आपको एक ऑप्शन है ना वो देखने को मिलेगा, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। अब यहां पर आपको तीनों ही ऑप्शन है ना वो ऑन करके रखने हैं। तो कई बार होता है ये दोनों ऑप्शन है ना वो ऑफ होके मिलते हैं, तो आपको तीनों ही ऑप्शन को ऑन कर देना है, जिससे कि स्मार्ट साइड बार है ना वो यहां पर ऑल टाइम एक्सेस यहां पर कर सकती है। अब मान लो यहां पर आप लोगों ने कोई ऐप है ना उसको ओपन करके रखा है, जैसे कि मान लो मैं यहां पर कोई भी एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेता हूं, जैसे कि कंपास को मैंने यहां पर ओपन कर लिया है, तो सिंपली आप लोगों को कुछ इस तरीके से स्वाइप करना है, तो स्मार्ट साइड बार है वो यहां पर ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग अपना कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है ना वो यहां पर कर रहे हो, जैसे कि मान लो कंपास के अंदर ऐप के अंदर मैं यहां पर अपना कोई इंपॉर्टेंट वर्क है ना वो कर रहा हूं, तो स्मार्ट बार को ओपन करना है, और टेलीग्राम को मैंने ओपन कर लेना है, तो एज ए फ्लोटिंग विंडो यहां पर ये ओपन हो जाएगा। और आप लोग ऊपर की तरफ भी अपने कुछ मेन वर्क है ना उसको यहां पर कर सकते हो, जैसे कि मैं यहां पर कर रहा हूं, तो कंपास है उसको भी आप लोग यूज कर सकते हो, और जो टेलीग्राम है ना उसको भी आप लोग यूज कर सकते हो, तो एक बारी में आप लोग इसको यूज कर सकते हो। तो इसको अगर आप लोगों को क्लोज करना है ना तो आप लोग इसको ऊपर की तरफ यहाँ पर स्वाइप कर सकते हो, अगर आपको इसको यहाँ पर बड़ा करना है तो आप लोगों को नीचे की तरफ इसको स्वाइप करना है, तो ये यहाँ पर ये फुल विंडो के अंदर ओपन हो जाएगा, फुल स्क्रीन के अंदर ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर टेलीग्राम है उसको ओपन करके रखा है, तो आप लोगों को क्या करना है, प्ले
प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो प्ले स्टोर है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर क्लोज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यही यहाँ पर मेन चेंज है ना, वो यहाँ पर Xiaomi की तरफ से किया गया है स्मार्ट साइड बार के अंदर और फ्लोटिंग विंडो के अंदर। और वहीं मैं आप लोगों से बात करूं फोन की सिक्योरिटी के बारे में, सो फोन की सिक्योरिटी है ना वो तो अच्छी हो ही चुकी है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को नया सिक्योरिटी पैच का जो अपडेट है ना वो देखने को मिलता है। वहीं आप लोगों से बात करूं फोन की परफॉर्मेंस के बारे में, सो फोन की परफॉर्मेंस है ना वो भी आपको अच्छी देखने को मिलती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फोन के अंदर आपको किसी भी तरीके का जो लेग है ना वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, और सारी एप्लीकेशन है ना वो एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्क कर रही है। और जो ड्रोवर है इसके अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर लेगा ना वो यहाँ पर नहीं मिलता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और अगर आप लोग ओपन करते हो किसी एप्लीकेशन को, उसको क्लोज करते हो, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन है ना वो आप लोगों को यहाँ पर कितनी ज्यादा स्मूथ देखने को मिलती है। अगर आप लोग इस अपडेट को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हो तो अच्छी आप लोगों को यहाँ पर जो एनिमेशन है ना वो देखने को मिलती है इस अपडेट के अंदर। अगर मैं आप लोगों से बात करूं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो अगर आप लोग यहाँ पर गेमिंग करते हो ना तो आपके फोन के अंदर गेमिंग है वो यहाँ पर अच्छी स्मूथली यहाँ पर आप लोग गेमिंग है ना वो कर सकते हो, क्योंकि ये जो अपडेट है ना इसके अंदर कुछ नए फीचर है वो तो यहाँ पर ऐड किए गए हैं, साथ ही में आप लोगों को यहाँ पर कुछ और नए चेंजेस है ना वो भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि फोन के अंदर स्मूथनेस है ना वो भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है Xiaomi की तरफ से। तो इसी तरीके से कुछ मेन फीचर है ना वो यहाँ पर Xiaomi की तरफ से ऐड किए गए हैं। तो एक दो न्यूज है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप लोगों को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है, साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों को आगे भी इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो है ना वो यहाँ पर देखने को मिलती रहे। और अगर आप गाइज आप लोगों ने अभी तक भी सहेज सेन टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन नहीं किया है तो इसको आपको ज्वाइन कर लेना है बहुत ही जल्दी। 11,000 मेंबर है ना वो पर टेलीग्राम पे कंप्लीट होने वाले हैं, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ और कौन कौन से नए चेंजेस है ना वो यहाँ पर Xiaomi की तरफ से किए गए हैं इस अपडेट के अंदर। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं ये जो अपडेट है ना इस अपडेट की टोटल साइज आप लोगों को 3.1 GB है ना वो देखने को मिलती है, तो काफी एक बड़ी साइज का आप लोगों को ये जो अपडेट है ना वो देखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों के पास में कोई वाईफाई है ना वो यहाँ पर नहीं, अगर आप लोग मोबाइल से अपडेट करते हो तो मोबाइल से थोड़ा अवॉइड करना वैसे कर सकते हो, लेकिन उसको अवॉइड करना, अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा रोक रोक के अपडेट करोगे तो आपके फोन के अंदर अपडेट है ना वो एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल नहीं होगा और कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना वो आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आप लोगों ने वाईफाई से इसको अपडेट कर लिया तो एक बार अपने फोन को रीसेट भी यहाँ पर कर लेना है। और यहाँ पर ये जो अपडेट है ना अभी यहाँ पर ओनली पायलट यूजर हैं उनके लिए रिलीज किया गया है, अगर सभी यूजर के लिए अपडेट यहाँ पर आ जाएगा तो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन है ना वो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी दोस्तों मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।